हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम पे है। जैसे कि आपके फिजिकल एजुकेशन में रेस्पिरेटरी सिस्टम से भर भर के क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, क्योंकि पूरा फिजिकल एजुकेशन इस पर ज़्यादा निर्भर है, ठीक है, एरोबिक अनएरोबिक क्रियाओं पर। तो ये श्वसन तंत्र आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड है, यूथ कंपटीशन से मैं प्रिपरेशन करा रही हूँ, और जितने भी टॉपिक हैं जितने भी आपके फिजिकल एजुकेशन में है सभी को स्टेप बाय स्टेप कराऊंगी। बस आप डेली बेसिस से मेरे साथ जुड़े रहिए। तो आज के सेशन में रेस्पिरेटरी सिस्टम से 20 क्वेश्चंस हैं। चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, डायथर्मी एक तरीका है। दोस्तों, डायथर्मी जो है एक निष्क्रिय वार्मिंग अप का तरीका है, और यह एक प्रकार का विद्युत चिकित्सा विधि है। इसके अंतर्गत विद्युत धारा प्रवाह के माध्यम से शरीर के अंगों को भी उष्मा उत्पन्न की जाती है, और यह उत्तकों के गहराई तक घाव भरने के लिए विद्युत धारा प्रवाह के माध्यम से उष्मा उत्पन्न की जाती है। ये 3 प्रकार का होता है तरंगों के आधार पर, लॉन्ग वेव डायथर्मी, शॉर्ट वेव डायथर्मी एंड माइक्रोवेव डायथर्मी। इसके बारे में मैंने आपको स्पोर्ट्स मेडिसिन वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे सभी चीज़ें बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्राइकस्पिड वाल्व किसके बीच पाया जाता है। तो आपको पता है जो ट्राइकस्पिड जो हमारे हृदय में होता है उसमें 4 कक्ष होते हैं, दयालिंद दयानिलय, बायालिंद बायानिलय। ऊपर के 2 कक्ष को अनिल, नीचे अलिंद, और नीचे के 2 कक्ष को हम निलय कहते हैं। एंड इन 4 कक्षों में होता है, और इधर इधर में 4 कपाट यानी दरवाजे होते हैं। जो दाएं अलिंद दाएं निलय के बीच जो कपाट होता है उसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। जो बाएं अलिंद बाएं निलय के बीच जो कपाट होता है उसको बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व कहते हैं। और 2 वाल्व सेमिनुलर वाल्व होते हैं जो अर्धचंद्राकार होते हैं। उसमें 2 वाल्व हैं आपके सेमिनुलर वाल्व, जिसे हम 2 पल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व। पल्मोनरी वाल्व जो है जहाँ से दाएं निलय से संकुचन होता है, पल्मोनरी वाल्व क्या करता है, दाएं निलय से अशुद्ध रक्त को लेकर फेफड़ों में प्रवेश कराता है शुद्ध होने के लिए। फिर वहाँ से शुद्ध होकर जब आता है तो जब बाएं निलय में आता है तो बाएं निलय से शुद्ध रक्त को एरोटिक वाल्व जो है वह महाधमनी तक जाता है, जहाँ से महाधमनी समस्त शरीर को रक्त भेज देती है। तो इस प्रकार ट्राइकस्पिड वाल्व जो है किसके बीच होता है, तो दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे आपको सही मिलान करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ए बी सी डी। तो ए है आपका हाइपोबेरिक वातावरण। हाइपोबेरिक वातावरण जो है ये आपका हो जाएगा हाइपोबेरिक वातावरण। हाइपो मतलब हमेशा कम होता है, याद रखिएगा। हाइपो मतलब कम बायोलॉजिकल भाषा में, और हाइपर मतलब ज़्यादा। तो यहाँ पे वातावरण की बात कहाँ है, तो वातावरण ही होगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ए का 3, ठीक है, एटमोस्फेरिक दबाव में कमी। एटमोस्फेरिक मतलब वातावरण होता है, तो हाइपोबेरिक वातावरण का मतलब एटमोस्फेरिक दबाव में कमी जो है, यानी कि जो वातावरणीय दबाव है उसमें कमी। तो इस प्रकार ए का आपका 3 हो जाएगा। फिर देखते हैं बी है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन की कमी होना, कहाँ में होना, टीशू में, हमारे उत्तकों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसे हम हाइपोक्सिया कहते हैं। तो इसमें आपके क्या हो जाएगा कि ये आपका बी का 4 हो जाएगा, पल्मोनरी वेंटिलेशन में कमी। तो बी का 4 हो जाएगा। फिर आपका सी है दबाव में कुछ कमी। दबाव में कुछ कमी, जब असामूहिक ऑक्सीजन लिया जाता है तो दबाव में कुछ कमी हो जाता है, तो सी का 1 हो जाएगा आपका। फिर है आपका डी निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। ए क्या होता है, जब वायु तापमान का कम होना, डी का 2 आपका हो जाएगा, डिहाइड्रेशन पानी की कमी। तो 3 4 1 2,
ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर आ रहा है 3, 4, 1, 2। क्वेश्चन नंबर 4 है, सामान्यतः महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले कम VO2 मैक्स होता है। शोध यह बताते हैं कि यह अंतर निम्न में से किसके कारण होता है। वुमेन जनरली हैव लोअर VO2 मैक्स देन मेन। रिसर्च सजेस्ट देन दिस डिफरेंस इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो समानता एक कहा गया है, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि जो महिलाओं का हार्ट होता है, हृदय होता है, वो भी पुरुषों से कम साइज का होता है। और जैसे कि 5 से 6 लीटर जो होता है आपका प्रति मिनट जो है कार्डियक आउटपुट होता है, जबकि महिलाओं में उससे कुछ कम होता है। और आपकी जो महिलाओं में जो वसा होता है, फैट होता है, पुरुषों से ज़्यादा होता है। ये सभी जो है रीजन्स होते हैं जिसके कारण जो VO2 मैक्स होता है पुरुषों से थोड़ा महिलाओं का कम होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे उच्च वसा द्रव्यमान, कम हीमोग्लोबिन, कम हृदय आउटपुट, CDE। यहाँ पे CDE आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और VO2 मैक्स कहते किसे हैं दोस्तों? VO2 मैक्स जो होता है जब हम अभ्यास करते हैं, और अभ्यास के दौरान जब व्यक्ति अपने मैक्सिमम लोड के स्तर को प्राप्त कर लेता है, यानी कि लगता है कि अब इससे ज़्यादा नहीं होगा, उस दौरान 1 मिनट में फेफड़ों द्वारा जितना वायु ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है उसकी मात्रा को हम VO2 मैक्स कहते हैं। VO2 मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता, यानी अधिकतम ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता। इसकी जो मापने की इकाई होती है मिलीमीटर प्रति किलोग्राम प्रति मिनट होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मांसपेशी प्राथमिक श्वसन मांसपेशी नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज नॉट प्राइमरी रेस्पिरेटरी मसल्स। तो यहाँ पे कौन सी प्राइमरी मांसपेशी नहीं है श्वसन की? तो दोस्तों डायफ्राम है, जैसा कि जो हमारा फेफड़ा होता है डायफ्राम पे ही सदा रहता है, इसको सिकुड़ने फैलने से जो है हमारा हम सांस लेते हैं। ट्रांसवर्सस थोरेसिक, लेटाटोर्स कोस्टोरम, ये तीनों प्राथमिक श्वसन मांसपेशी है, बट इरेक्टर स्पाइनल नहीं है, इरेक्टर स्पाइनल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, फेफड़ों को ढकने वाली आवरण को क्या कहते हैं? व्हाट इज द नेम गिवन टू द कवरिंग ऑफ लंग्स? दोस्तों पेरिकार्डियम, ये हृदय की दीवार है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लूरा जो है आपका फेफड़ों को ढकने वाली आवरण है, झिल्ली है, इसे प्लूरा कहा जाता है। इसे प्लूरल द्रव्य पाया जाता है अंदर, जो फेफड़ों को बाहरी भाग के चारों तरफ से लपेटे रहता है और यह बाहरी आघातों से इसकी रक्षा करता है, जो एक बंद अंतर्वलित कोष के रूप में व्यवस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक राहत कार्यकर्ता द्वारा एक वयस्क को CPR छाती पर दबाव किस दर पर प्रति मिनट दिया जाता है? दोस्तों जो एकाएक सांस रुकने वाला होता है या सांस नहीं ले पाता है, उस कंडीशन में डॉक्टर से ले जाने के पहले उसको थपथपाया जाता है छाती पर, जिसे हम CPR कहते हैं। CPR का फुल फॉर्म होता है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जो कम से कम प्रति मिनट कितना दबाव थपथपाया जा सकता है? तो 100 या 120 प्रति मिनट की दर से थपथपाया जाता है, और प्रत्येक 30 छाती संपीड़न के बाद 2 बचाव श्वास देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, बलकृत महत्वपूर्ण क्षमता जो एक सेकेंड में निःश्वसित की जा सकती है क्या कहलाती है? द फोर्स वाइटल कैपेसिटी दैट कैन बी एक्सहेल्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड। तो इसको हम कहते हैं बलकृत निःश्वसन आयतन, फोर्स एक्सपायरेटरी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 9 है, वसा पॉलमेटिक एसिड के लिए श्वसन विनिमय अनुपात क्या है, यानी कि रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो फॉर फैट पॉलमेटिक एसिड। तो इसका जो
रिस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो है, श्वसन विनिमय अनुपात वसा का, वो 0.70 है। श्वसन विनिमय अनुपात यानी रिस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं आर ई आर, रिस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो, जो उपापचय और ऑक्सीजन में उपयोग किए जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बीच का अनुपात है। इस अनुपात को मापने का उपयोग श्वसन अनुपात का अनुमान लगाने के लिए किया जा सकता है। श्वसन विनिमय अनुपात यानी कि रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए मांसपेशियों की ऑक्सीडेटिव क्षमता को दर्शाता है। गतिहीनता, व्यायाम और शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन शैली इसे संशोधित करते हैं। और इसका वसा का जो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशियो होता है वो 0.70 होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि श्वसन तंत्र में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। तो दोस्तों, वेयर डज द एक्सचेंज ऑफ गैस टेक प्लेस इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक बाह्य श्वसन, एक अंतः श्वसन। बाह्य श्वसन में ब्रीदिंग होता है जो हमारे फेफड़ों में संपन्न होता है। अंतः श्वसन जो होता है वो कोशिकीय श्वसन होता है जो हमारे कोशिकाओं में, कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। वाह्य श्वसन में क्या होता है, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, श्वास अंदर लेना और बाहर छोड़ना। जैसे ही हम सांस लेते हैं जो हमारा एल्वोलाइज होता है, जैसे कि एक श्वास नली होती है, यहाँ से श्वास नली ट्रेकिया गई, यहाँ हमारा फेफड़ा है दोनों तरफ, ठीक है, और यहाँ पे ट्रेकिया जा करके दाएं तरफ तीन भागों में, ठीक है, और बाएं तरफ दो भागों में बट जाती है, और लास्ट में जा करके बहुत सारे भागों में ये बढ़ती है और लास्ट में एक गुच्छा का निर्माण करती है, जिसे हम एल्वोलाइज कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्वोलाइज कहते हैं। ये जो हमारा जो हृदय होता है, यहाँ से जो है पल्मोनरी धमनी यहाँ से जुड़ी रहती है फेफड़ों में, और जो आपका दायां बायां बायां दोनों पल्मोनरी धमनी आकर के मिलती हैं आपके फेफड़ों में, जहाँ से अशुद्ध रक्त लेकर के आती है फेफड़ों में। तो अशुद्ध रक्त से जो ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, तो उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो एल्वोलाइज में से ऑक्सीजन जो है कहाँ चला जाता है, अशुद्ध रक्त में, और जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन होते हैं उसको ले लेते हैं एल्वोलाइज से, और जो अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एल्वोलाइज में चला जाता है, उसके बाद फेफड़ों के माध्यम से फिर बाहर निकल जाता है। इस प्रकार गैसों का एक्सचेंज होता है। तो कहाँ पे होता है आदान प्रदान, एल्वियोली में, एल्वोलाइज में होता है, याद रखिएगा। उसके बाद हीमोग्लोबिन लेकर के कहाँ चला जाता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर के कोशिकाओं में चला जाता है, जहाँ पे ऑक्सी अनऑक्सी श्वसन होता है, इसके माध्यम से एटीपी का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, फेफड़ों की क्षमता को साधारणतः मापा जाता है, लंग कैपेसिटी इज यूजली मेजर्ड। तो लंग कैपेसिटी यानी फेफड़ों की क्षमता को स्पायरोमीटर से मापा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि विश्राम परिस्थितियों में प्रत्येक सांस के साथ फेफड़ों में लगभग कितनी हवा अंदर और बाहर भरी जाती है। तो विश्राम परिस्थिति में अंदर और बाहर, साधारण स्थिति में अंदर बाहर हवा भरने की मात्रा को हम कहते हैं टाइडल वैल्यू, और ये विश्राम परिस्थिति में लगभग 400 ml होती है, और एक्सरसाइज करते समय 3000 ml हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, उंगलियों के जोड़ों को कहा जाता है। दोस्तों, जैसा कि उंगलियों के जोड़ों को हिंज ज्वाइंट कहते हैं। हिंज ज्वाइंट क्या होता है, एक ही तल में गति होता है, चल संधि के अंतर्गत आती है। जैसे दरवाजा एक तरफ घूमता है, उसी प्रकार हिंज ज्वाइंट भी जो एक तरफ ही गति करता है, जैसे हमारी कोहनी यानी कि नी एल्बो ज्वाइंट, घुटने यानी कि नी ज्वाइंट, एंड निचले जबड़े का जोड़ एंड उंगलियों का जोड़। क्वेश्चन नंबर 14 है कि फेफड़ों के वायु कोश किस ऊतक के बने होते हैं। द एयर सैक ऑफ द लंग्स आर मेड बाय विच टिश्यू। तो किस ऊतक के बने होते हैं फेफड़ों के वायु कोश, तो उपकला ऊतक यानी कि इपिथेलियल टिश्यू। हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, आंतरिक बाह्य, उन सभी के ऊपर एक प्रोटेक्शन प्रदान करती है हमारा उपकला यानी कि इपिथेलियल टिश्यू। जैसे हमारे त्वचा है, बाहर जो इपिथेलियल टिश्यू है। क्वेश्चन नंबर 15 है
कि सांस लेते समय हमारे फेफड़ों के अंदर का दबाव क्या होता है. द प्रेशर इनसाइड अवर लंग्स कैपेसिटी लंग्स वाइल ब्रीदिंग. ठीक है, तो सांस लेते समय हमारा जो फेफड़ों के अंदर दबाव क्या होता है. दोस्तों आप गुब्बारा देखे हुए हैं, जैसे कि हम गुब्बारे को दबाव डालते हैं तो वो हवा बाहर की तरफ निकलता है, जब उसको हम फैलाते हैं तो हवा अंदर की तरफ आता है. तो क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो उस कंडीशन में जो हमारा होता है सांस इंस्पायरेशन करते समय, जब हमारा इंटरकॉस्टल मसल्स होती है वो सिकुड़ती है फेफड़ों के बीच में. जैसे कि हमारा ये फेफड़ा है, ठीक है, ये फेफड़ा है, फेफड़ा, ठीक है, ये हमारा डायफ्राम मसल्स है, इसके बीच बीच में जो है इंटरकॉस्टल मसल्स है, ठीक है, इसी के सिकुड़ने फैलने से जो है हम सांस लेते हैं. तो इंटरकॉस्टल मसल्स जब हम इंस्पायरेशन सांस लेते हैं तो सिकुड़ती है, तो डायफ्राम क्या होती है, नीचे चला जाता है. जब डायफ्राम नीचे जाएगा तो जो फेफड़ों का आयतन जो है वो बढ़ जाता है, जगह बढ़ जाता है, परिणामस्वरूप फेफड़ों का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है. और फेफड़ों का आयतन बढ़ने से जो क्या होता है, फेफड़ों में वायु का जो दबाव होता है वो कम हो जाता है. हवा और गैसों का दोस्तों ये नियम होता है कि वह निम्न वायु दाब से उच्च वायु दाब की ओर बहती है. तो जब फेफड़ों का जो दाब होता है अंदर वो कम हो जाता है, तो बाहर जो है वातावरण में जो हवा का जो दबाव है, गैसों का दबाव है, कम होता है. तो सिद्धांत के अनुसार गैस जो है और हवाएं जो है वो निम्न दाब से उच्च दाब की ओर आती हैं, तो बाहर से अंदर की ओर हवा आने लगती है. यानी कि फेफड़ों का आयतन बढ़ने से फेफड़ों में वायु का दबाव वायुमंडल से 1 से 3 mmHg कम हो जाता है और बाहर की हवा फेफड़ों में प्रवेश करने लगती है. और वह हवा तब तक फेफड़ों में प्रवेश करेगी जब तक कि बाहर व अंदर का वायुदाब बराबर ना हो जाए. तो इस प्रकार जो होता है, हम जब श्वास ले रहे हैं, इंस्पायरेशन कर रहे हैं, तो फेफड़ों का जो दबाव है वो घटता है. क्या होता है, घटता है, यानी फेफड़ों में निम्न वायुदाब होता है और सॉरी दोस्तों मैंने एक चीज़ गलत बताया, जो फेफड़े होती हैं, जो गैसें और वायु होती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं, ठीक है, यानी कि फेफड़ों के अंदर दाब घट रहा है और बाहर उच्च दाब है, तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चल रही हैं. तो इस प्रकार जो गैसें होती हैं फेफड़ों में आने लगती हैं, ठीक है. तो गैसों और हवा का ये सिद्धांत है कि उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है, ठीक है. तो फेफड़ों में सांस लेते समय निम्न दाब होता है और बाहर वातावरण में उच्च दाब होता है. इसके विपरीत एक्सपायरेशन में, यानी श्वास छोड़ते समय होता है. श्वास छोड़ते समय इंटरकॉस्टल मसल्स फैलती है और डायफ्राम ऊपर चला जाता है, जिसके कारण वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है, जगह कम होता है. और जो जगह कम होगा तो वायुदाब अधिक होगा और वायुदाब अधिक जो है फेफड़ों के भीतर का वायुदाब वायुमंडल से 1 से 2 mmHg अधिक हो जाता है और जिससे भीतर की हवा बाहर निकलने लगती है, ठीक है. उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवा चलती है. जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03% एंड जलवाष्प 0.5% अंदर जाता है. लेकिन जब बाहर निकालते हैं तो नाइट्रोजन का कोई उपयोग नहीं होता है, जैसे कि तैसे बाहर निकल जाता है 78% ही, लेकिन ऑक्सीजन 21% जाता है, बाहर निकलता है 16%, और CO2 0.03% जाता है, बाहर निकलता है 4.4%, जलवाष्प 0.5% जाता है, बाहर निकलता है 6.5%. वीडियो को पूरा देखिएगा, एक क्वेश्चन में अच्छे से समझा रही हूँ दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 16 है एरोबिक, यानी कि क्या समझे दोस्तों, कि इंस्पायरेशन करते समय फेफड़ों का आयतन बढ़ेगा और दबाव कम होगा, घटेगा, और जो एक्सपायरेशन यानी कि बाहर छोड़ते समय जो हवा को गैस को बाहर छोड़ते समय जो फेफड़ों का आयतन कम होगा और जो दबाव होगा वो बढ़ेगा. क्वेश्चन नंबर 16 है कि एरोबिक व्यायाम मांसपेशियों को अधिक देता है. एरोबिक एक्सरसाइज बिल्ड्स मोर मसल्स देन. दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं एरोबिक जो होता है सहनशीलता वाली क्रियाओं में होता है, जिसमें रेड मसल फाइबर ज़्यादा एक्टिव रहता है, ठीक है, और ये एंड्योरेंस वाली क्रियाएं होती है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्य होता है. तो ये मांसपेशियों को क्या अधिक देता है, तो ऑक्सीजन देता है, ठीक है. ये मांसपेशियों को अधिक क्या देता है, ऑक्सीजन देता है. शरीर की मांसपेशियों के बड़े समूहों में जैसे टांगों जांघों हिप्स की मांसपेशियां शामिल होती हैं,
और एरोबिक्स में क्या होता है, निम्न से मध्यम स्तर की इंटेंसिटी यानी कि जो तीव्रता होती है, जबकि अनएरोबिक में क्या होता है, हाई इंटेंसिटी यानी कि बहुत ज़्यादा तीव्रता होती है, स्पीड से कार्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, दाएं अलिंद और दाएं निलय के मध्य स्थित कपाट क्या कहलाता है। तभी मैं जस्ट बताया कि चार कपाट होते हैं, दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच हृदय में जो कपाट होता है उसके हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, और बाएं अलिंद बाएं निलय के बीच जो कपाट होता है उसको बाइकस्पिड या मिडल वाल्व कहते हैं, और जो दाएं निलय के बाद दाएं निलय से जो अशुद्ध रक्त को ले जाती है फेफड़ों में उसको कहते हैं पल्मोनरी वाल्व, और जो बाएं निलय से शुद्ध रक्त को महाधमनी या अंगों तक पहुंचाती है उसको कहते हैं, महाधमनी को की ओर ले जाती है उसे कहते हैं एरोटिक वाल्व। यहाँ पे दाएं अलिंद दाएं निलय के बीच ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा अंग प्लूरा द्वारा ढका रहता है। अभी जस्ट आप जाने हैं फेफड़ा जो है ढका रहता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अधिक से अधिक श्वास बाहर निकालने के उपरांत फेफड़ों में बची हुई वायु की मात्रा को हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम यानी कि अपशिष्ट वायु, रेसिडुअल वॉल्यूम अपशिष्ट वायु। यहाँ पे चार क्रियाएं होती हैं जैसे कि वाइटल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, कम्प्लीमेंट्री एयर, सप्लीमेंट्री एयर, रेसिडुअल एयर। तो जो है वाइटल कैपेसिटी क्या होता है कि अधिकतम अंतः श्वसन के बाद हवा की सबसे बड़ी मात्रा जो श्वास द्वारा छोड़ी जा सकती है उसको वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि ये फेफड़ों की वह क्षमता होती है जो एक बार पूर्ण रूप से अंतः श्वसन इंस्पायरेशन करके पूरे बल के साथ जो हवा वाह्य श्वसन के द्वारा बाहर निकाली जा सकती है उसकी मात्रा को हम वाइटल कैपेसिटी कहते हैं। वाइटल कैपेसिटी ज्ञात करने का सूत्र होता है टाइडल वैल्यू प्लस कम्प्लीमेंट्री एयर प्लस सप्लीमेंट्री एयर। तो टाइडल वॉल्यूम, कम्प्लीमेंट्री एयर, सप्लीमेंट्री एयर मिलाकर के वाटर कैपेसिटी बनती है। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि जो हम सामान्य अवस्था में जो श्वास अंदर ले रहे हैं बाहर छोड़ रहे हैं इसी की मात्रा को हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं, जिसे 500 ml होता है। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम कितना हो गया 500 ml। ठीक है, प्लस कॉम्प्लीमेंट्री एयर क्या होता है, पूरक वायु की श्वास सामान्य श्वास के बाद यदि वायु और जोर से श्वास लेकर फेफड़ों में भरा जाए तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एयर कहते हैं, जिसका जो 300 ml होता है। ठीक, प्लस सप्लीमेंट्री एयर क्या होता है कि गहरे श्वास द्वारा वायु को बाहर निकालना एक्सपायरेशन करना वो सप्लीमेंट्री एयर होता है जो 1100 ml। कुल मिलाकर के आपका 4600 ml हो जाता है। इस प्रकार वाइटल कैपेसिटी बराबर कितना हुआ 4600 ml। लेकिन जब इसमें रेसिडुअल वॉल्यूम जोड़ देंगे तो वो कार्डियक आउटपुट हो जाएगा। तो कार्डियक आउटपुट क्या होता है कि एक मिनट में फेफड़ों की कुल क्षमता होता है टाइडल टोटल लंग कैपेसिटी का मतलब वायु की कुल मात्रा जो फेफड़ों में समा सकती है उसे हम कार्डियक वाटल फेफड़ों की कुल क्षमता लंग कैपेसिटी कहते हैं। लंग कैपेसिटी ज्ञात करने का सूत्र होता है वाटल कैपेसिटी प्लस रेसिड्यूल वैल्यू। ठीक है, तो वाटल कैपेसिटी कितना हो गया आपका, वाटल कैपेसिटी आपका हो गया 4600 ml प्लस आपका रेसिड्यूल वैल्यू यानी कि पूरे बल के साथ श्वास एक्सपायरेशन करने के बाद वाह श्वसन के बाद जो फेफड़ों में बचा हुआ वायु रहता है उसे हम कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, जिसका मान होता है 1200 ml। ठीक है, तो बराबर कितना हो गया आपका, आपका 5800 ml। ठीक है, 5800 ml। इस प्रकार हम वाइटल कैपेसिटी कितना हुआ 4600 ml यानी कि 4.60 ml। ठीक है, 4.6 kg हम कहेंगे, लीटर कहेंगे। ठीक है, वैसे कहेंगे तो 4600 ml। जो हमारा टोटल लंग कैपेसिटी कितना हुआ 5800 ml यानी कि 5.8 लीटर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी व्यक्ति का फुफ्फुसी संवातन लिंग के निरपेक्ष किस पर निर्भर करता है। पल्मोनरी वेंटिलेशन ऑफ ए पर्सन डिपेंड्स ऑन इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। दोस्तों ये आपका निर्भर करता है कि ये आपके, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 and 4 यानी कि ज्वारीय क्षमता यानी कि वाटल कैपेसिटी एंड श्वास गति। सॉरी दोस्तों यहाँ पे
ज्वारी परिणाम यानी कि वाइटल कैपेसिटी 2 और 4, तो यहाँ पे ज्वारी परिणाम यानी कि टाइडल वॉल्यूम होगा, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम एंड श्वास गति 4, रिस्पायरेटरी रेट। तो दोस्तों ये था आज के सेशन का 20 MCQ क्वेश्चन। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए, और डेली बेसिस पर आप प्रैक्टिस करते रहिए इसी तरह, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में। तब तक के लिए जय।